वेलकम टू जी के जी एस विथ मनीष सर। आज 9 सितंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए पुद्दुमाई पेन योजना की शुरुआत की है? तो पुद्दुमाई पेन योजना की शुरुआत तमिलनाडु किसने की है? किसने की है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने पुद्दुमाई पेन योजना की शुरुआत की है। अब ये पुद्दुमाई पेन योजना क्या है? तो कक्षा छः से लेकर के कक्षा 12 तक के पढ़ने वाले छात्राओं के लिए ये योजना है और इस योजना में प्रति माह 1000 रुपये दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? तो प्रति माह 1000 रुपये दी जाएगी। अब देखो तो इस योजना के तहत सरकारी स्कूल की कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रति माह 1000 रुपये दी जाएगी। यही है पुद्दुमाई पेन योजना। अब पुद्दुमाई पेन योजना तमिलनाडु में शुरू हुआ, तमिलनाडु से और क्या प्रश्न बनेंगे? तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, तमिलनाडु के गवर्नर है आर एन रवि और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. Stalin। तमिलनाडु में राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। कितना है? तो राज्यसभा 18 है और लोकसभा कितना है? 39 है। ठीक है, अब आगे देखो, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा जो शुरू हुई है वो तमिलनाडु में शुरू हुई है। आदिपुरम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। मछली के उत्पादन में प्रथम राज्य तमिलनाडु है और यह गुजरात को पीछे छोड़ के बना है, यानी कि मछली के उत्पादन में तमिलनाडु पहले स्थान पर है और गुजरात दूसरे स्थान पर है। अंगदान के मामले में तमिलनाडु पहले स्थान पर है और मद्रास, पहले तमिलनाडु का नाम था मद्रास, तो मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु 14 जनवरी 1969 को किया गया, यानी कि 1969 को किया गया। 1969 में ही आपका इसरो की स्थापना हुई थी। 1969 में ही नील एंगस्ट्रॉम चंद्रमा पर गए थे और नील एंगस्ट्रॉम अमेरिका के थे। ठीक है, अब मेटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है और कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर स्थित है और यह भी तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अभयारण्य तमिलनाडु में है। मुद्दुमलाई अभयारण्य तमिलनाडु में है और मन्नार की खारी मरीन राष्ट्रीय उद्यान ये भी तमिलनाडु में है। अब अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य को संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल को किया जाएगा। किसे किया जाएगा? पश्चिम बंगाल को। देखो, पश्चिम बंगाल को इसके लिए 9 मार्च 2023 को बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स सबमिट में सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अब देखो तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं ला गणेशन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीट है 16 और लोकसभा सीट है 42। अच्छा, राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है। किसमें है? 80 में है। लोकसभा का वर्णन किसमें है? तो लोकसभा का वर्णन 81 में है और संसद का गठन जो किया गया है आपका वो अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है। ठीक है, देखो राज्यों के राज्यपाल का वर्णन जो किया गया है वो 153 में किया गया है। किसमें किया गया है? 153 में किया गया है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, इसका वर्णन 154 में है। किसमें है? तो 154 में है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, इसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 155 में है। किसमें है? तो अनुच्छेद 155 में है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में, लोकसभा 81 में, संसद का गठन 79 में। ठीक है, राज्यों के राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद 153 में, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी 154 में। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा 155 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, अब देखो पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। देखो पश्चिम बंगाल में डिस्ट्रिक्ट जो है 30 है, पहले 23 था, अब नए जोड़े गए हैं और नए जोड़ने के साथ जितना हो गया है तो 30 हो गया है। जैसे सुंदरबन, रानाघाट, बिसलपुर, जांगीपुरी, ठीक है, बहरामपुर, इच्छेमती। ठीक है, तो ये जो है आपके वो पश्चिम बंगाल में नए जिले 6 बनेंगे। कितने बनेंगे? 6। अब आगे आपका यहाँ पे विधानसभा सीट 295 है। डोल उत्सव मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये पश्चिम बंगाल में है। नोरा घाटी नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। सिंगलीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है और हिमालय की रानी के उपनाम से जानते हैं दार्जिलिंग को। किसे जानते हैं? तो दार्जिलिंग को। ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय किसने शुरू किया? तो पश्चिम बंगाल ने शुरू किया ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय। अब अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत में पहला बायो विलेज तैयार किया है? तो किसने किया है? त्रिपुरा ने किया है। त्रिपुरा ने अभी हाल ही में भारत में पहला बायो विलेज तैयार किया है। अब त्रिपुरा, तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला।
त्रिपुरा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। और अभी मैंने जस्ट बताया था ना कि राज्यों के राज्यपाल का वर्णन जो है आपका वो अनुच्छेद 153 में है। ठीक है, देखो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है मानिक शाह और त्रिपुरा की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को, और मेघालय और मणिपुर की भी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। यहाँ पे राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट 2 है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 8 है और विधानसभा सीट कितना है 60 है। 60 और कहाँ कहाँ पे है, तो मणिपुर में 60 है, मेघालय में 60 है, त्रिपुरा में 60 है, अरुणाचल प्रदेश में 60 है और नागालैंड में 60 है। यानी कि ये सारे राज्यों में विधानसभा सीट की संख्या जो आपकी है वो कितनी है, तो 60 है। कितनी है, 60 है। देखो त्रिपुरा में आपका तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य है, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है, राजबरी राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, त्रिपुरा है, रुद्रसागर झील और नीरमहल त्रिपुरा में है। त्रिपुरा ने अर्न विथ द लर्न मोबाइल ऐप जारी किया था, अर्न विथ द लर्न मोबाइल ऐप त्रिपुरा ने जारी किया था, और पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा शुरू करने की घोषणा जो की है आपकी वो त्रिपुरा राज्य सरकार ने की है। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, तो मानिक शाह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है। आगे क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में डाबर रेडपेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो रावर रेडपेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन बने हैं। कौन बने हैं, अमिताभ बच्चन। अब ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात करता हूं, तो मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर है आलिया भट्ट, फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है पंकज त्रिपाठी, रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर है केएल राहुल, गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर है नीरज चोपड़ा, गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर है ऋतिक रोशन, और गेमिंग ऐप A23 और थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है, और एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर है, तो टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, चलो अब अगला प्रश्न आपका है कि सूंघने वाली दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है। सूंघने वाली दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश जो बना है वो कौन बना है, तो पहला देश बना है चाइना, चीन बना है। कौन बना है, चीन। देखो चीन में आपका है पोर्सिलोन टावर, पोर्सिलोन टावर जो है वो चीन के नानकिंग शहर में है, और चीन ने कोविड की एक वैक्सीन बनाई थी जिसका नाम था साइनोफॉर्म वैक्सीन। क्या बनाई थी, साइनोफॉर्म वैक्सीन, ये चाइना की है, कोविड-19 की वैक्सीन आपका है। मार्स रोवर चीन का एक मंगल ग्रह पे एक रोवर गया था, जुरंग, क्या नाम था, जुरोंग। आगे ई कचरे के उत्पादन में चाइना प्रथम स्थान पर है। वान यामपिंग चीन में चलने चीन की है, और यह अंतरिक्ष में चलने वाली प्रथम चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। ठीक है, वान यामपिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगम ये चाइना ने लॉन्च किया। स्कूल में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण पर रोक लगाने का फैसला चाइना ने किया। चीन की सीमा सर्वाधिक देश से लगती है, 14 देशों से लगती है। ठीक है, वैश्विक रोबोटिक्स हब बनने के लिए चीन ने पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। कौन सा योजना शुरू किया चीन ने, तो पंचवर्षीय योजना शुरू की, और चीन जो आपका है ये विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है, और प्रदीप कुमार रावत जो है वो चीन में भारत के राजदूत है। चीन में भारत के राजदूत कौन है, तो प्रदीप कुमार रावत। अच्छा, चीन की राजधानी क्या है, और चीन के राष्ट्रपति कौन है, और चीन की मुद्रा क्या है, तो इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। चीन की राजधानी क्या है, चीन के राष्ट्रपति कौन है, और चीन की मुद्रा क्या है, तथा भारत और चीन के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में संजय वर्मा को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, तो संजय वर्मा को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। कहाँ पे, तो कनाडा में। अब देखो, तो अब इससे पहले भी मैंने बताया था कि नागेंद्र सिंह को थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था, और विक्रम दोरास्वामी को यूके में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। ठीक है, कहाँ पे, तो यूके में। अच्छा, यूके की राजधानी क्या है, अभी हाल ही में यूके की नई महिला प्रधानमंत्री बनी है, उसका नाम क्या है, तो यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि यूके के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, पहला कौन सा है, तो रूस है। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन है, कनाडा है, और सर्वाधिक देशों से लगने वाली सीमा किसकी है, चाइना की है, 14 देशों के साथ। कितनी, तो 14। झील के अंदर झील है, मैनिटू झील कनाडा में स्थित है। चीन, देखो अब कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह जो आपका है वो मैपल लीफ है। क्या है, मैपल लीफ कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है। मॉन्ट्रियल और क्यूबेक शहर सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है, और यह कनाडा का शहर है। कनाडा में दो झीलें बहुत महत्वपूर्ण आपकी है, एक आपका है अथवास्का झील और एक है रेंडियर झील। ये कहाँ पे है, कनाडा में है। कनाडा की राजधानी है ओटावा, और कनाडा की करेंसी है कैनेडियन डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो। और अभी मैंने जस्ट पूछा आपका कि ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री अभी नए वाले कौन बनी है। अच्छा, ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे,
तो इसका भी जवाब देना आपको कमेंट बॉक्स में कि ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन है। और जब मैं पूछूं आपसे तो आप जवाब दिया करो, इससे आपका अच्छा होगा। जितना आप रिविजन करोगे, जितना आप लिखोगे, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो जवाब दिया करो आप लोग। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में BCCI के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में पेटीएम की जगह किसने ली है। किसकी? तो BCCI के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में पेटीएम की जगह किसने ली है, तो मास्टर कार्ड ने ली है। मास्टर कार्ड अमेरिकन कंपनी है, मास्टर कार्ड अब पेटीएम की जगह पे इसने स्पॉन्सरशिप लिया है। ठीक है, अब देखो, तो अब बात करते हैं BCCI के बारे में। तो BCCI, मैं कई बार बताया आपको BCCI के बारे में, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसका मुख्यालय है मुंबई में, और इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, और BCCI के चेयरमैन है सौरभ गांगुली। कौन है चेयरमैन? सौरभ गांगुली BCCI के चेयरमैन है। ठीक है, अच्छा ICC के चेयरमैन कौन है? तो ICC के चेयरमैन है ग्रेग वारकेली। कौन है? ग्रेग वारकेली। अच्छा ICC के CEO कौन है? तो जियो फिलर्डिस, जो वर्ल्ड में क्रिकेट को कंट्रोल करती है। ठीक है, अब अगला आपका प्रश्न आपका है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया। थीम क्या था? तो ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग एक्सपेंस। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग एक्सपेंस जो था आपका, वो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का थीम था। अब देखो, इस महीने में और कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। इसका थीम था लीडिंग इन क्राइसिस रिमेनिंग द फ्यूचर। ठीक है, नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया 7 सितंबर को। कब मनाया गया? तो 7 सितंबर को मनाया गया। तो ये था आज का आपका कैलेंडर अफेयर। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश की जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो इसका बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया, कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, जैसे कि प्रशांत हो गए, राजकुमार हो गए, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो इन लोगों ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। ठीक है, तो भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश की जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो नेपाल की। ठीक है, मैंने बताया था नेपाल की राजधानी है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपीज, और प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, और प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर देउवा। कौन है? शेर बहादुर देउवा। देखो, भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश नेपाल बना है। ठीक है, देखो, इंडिया और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है, और भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई थी। ठीक है, जो नेपाल के लिए दिखाई गई थी। इंडियन एयरफोर्स का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इंडियन एयरफोर्स अपना डे मनाता है 8 अक्टूबर को। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। अब आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे। कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है जनरल मनोज पांडे। और नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को, और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है एडमिरल आर हरि कुमार। कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार है। अब आज का आपका प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पहली बार माउंटेन साइकिल विश्व कप की मेजबानी करने की घोषणा की है। तो इस समय से कौन सा आपको ऑप्शन होगा वो बताना है आपको, आंसर क्या होगा इसका, और लद्दाख की राजधानी क्या है, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, इसका भी जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। ठीक है, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।